तो गुड मॉर्निंग यार, क्या चाल है? उम्मीद करते हुए आप सभी लोग बड़े होंगे, एकदम मस्त खाते होंगे। तो भाई फाइनली जो है मैं रेडी हो चुका हूँ भाई अपने गांव जाने के लिए। और देखो रूम मैंने सब बिल्कुल मस्त क्लीन कर दिया है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। बस एक बार मेरे को मार्केट जाके बस देख के आनी की बस है या नहीं, क्योंकि अभी बज गया भाई 10 और मेरी बस 11 बजे लास्ट है, उसके बाद कोई बस नहीं आती। तो मेरे को चेक करके आना है कि फटाफट की वहाँ पे बस आई है या नहीं आई। अगर बस आई है तो फटाफट से जो है वापस आके बैग वैग पकड़ूंगा और निकलूंगा। तभी मैं रेडी होकर एकदम मस्त जा रहा हूँ, रेडी सब हो गए। तो अभी स्कूटी लेके चलते हैं फटाफट से, देख के आते हैं मार्केट में कि बस आई है या नहीं। तो फाइनली मैं बाजार पहुंच चुका हूं भाई और गाड़ी का पता कर लिया है, गाड़ी जा रही है तो सही हो गया यार। बस अब फटाफट से स्कूटी जो है रख के आता हूं एंड बैग पकड़ के सीधा आता हूं भाई। तो चलो यार मैं घर पे पहुंच चुका हूं, आप फटाफट से बैग लेते हैं एंड चलते हैं भाई, अलविदा कहते हैं रूम को, फिर मिलते हैं। चलो तो भाई मैं रिटर्न मार्केट पहुंच चुका हूं और अभी देखो ये काम की पेटी लेके जाना पड़ रहा है यार। भाई मेरे पास ना बहुत वजन है और 5 मिनट है सिर्फ, बस निकलने वाली होगी 5 मिनट में यार, फटाफट जाना पड़ेगा मुझे अब। एक तो ये पेटी इतनी भारी है ना भाई, 10 किलो की है। सो फाइनली यार बस मिल चुकी है एंड भाई 1 मिनट अगर मैं लेट होता ना तो बस छूट गई थी भाई मेरी आज। सो चलो कोई नहीं, हम निकलते हैं एंड मिलते हैं सीधा आप लोगों को घर पे। सो फाइनली जो है मैं अपने गांव पहुंच गया हूं भाई, गांव बोले तो मतलब सोमेश्वर के अंदर। और यहाँ के भाई इतना ठंडा, इतना मस्त मजा आ गया। हेलो। तो देखो दोस्तों घर आते ही ये कैसे करता है, आप मुझे इतने दिनों बाद देख रहे हैं। रुक जा बेटा। तो यार गांव में मेरे अंदर देखो रुपाई भी हो गई यार। भाई साहब ये आम की पेटी ने मुझे आज सुबह से बहुत अफरा तफरी कर रखी है। तो दोस्तों इतनी जल्दी देखो कौन घर पहुंचाता है। तो अभी आप लोगों ने मुझे रामनगर देखा और अभी आप लोगों ने मुझे घर देख लिया देखो। एंड मैं केक लेके आया हूँ, ये क्यों लेके आया हूँ आपको बताता हूँ। और मैं आज ही स्पेशल क्यों आया, जबकि मेरे को लेट हो गया था, तो बताता हूँ आप लोगों को, पहले अंदर चलते हैं। नमस्कार पिताजी। नमस्कार। सब ठीक ठाक हर्षा भलर्षा भला भला गण से सबने रुपाई रुपाई लगा दी हमारे आने तक। तो दोस्तों घर आने की यार एक वाइब भी अलग सी है, एक खुशी अलग सी है अपने घर आने की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता था पर यहाँ पे आके भाई एक तो सबसे पहले ठंड बढ़ गई है, जैकेट पा चुका हूँ शर्ट से, वहाँ पे इतनी गर्मी होती थी पक जाता था, यहाँ पे भाई स्वेटर में घूम रहा हूँ और इतना अच्छा मौसम ना भाई कहीं भी नहीं हो सकता भाई। ये देखो और पीछे नजारे, मैं सच कह रहा हूँ अंधेरा होने वाला है, एक नंबर आ रहे होंगे। तो चलो दोस्तों एक बार सबसे मिल के आता हूँ नीचे, सबसे मुलाकात कर लेते हैं एंड फिर मेरे को कुछ काम करना है तो फिर वो करते हैं बाकी। और हाँ बाकी वो जो केक लाया हूँ ना वो आज मम्मी एंड पापा की एनिवर्सरी है, इसीलिए भाई मैं इतना स्ट्रगल करके वो आम की बेटी को पकड़ के दौड़ रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों वो वाली घड़ी आ चुकी है जिसका हम इंतजार कर रहे थे और जिसके लिए हम इतने दूर से चल के आए। देखो तो ये केक मैं ले आया था मार्केट से ही, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ऐसी थका सा था, मैंने लेते हुए भी नहीं दिखाया। तो अभी केक वेक सजा दिया, पापा मम्मी को बिठा दिया है, तो चलो अभी केक कटवाते हैं अब इनसे। बाकी देखो सभी लोग आए हैं, बहुत सारे लोग एनिवर्सरी में, देखो हैप्पी एनिवर्सरी तो आज से 28वां साल लग गया भैया इनकी शादी को, 27 कंप्लीट हो चुका है। तो बस शादी सिंपल सी हमारी पार्टी है भैया, देखो ऐसे ही नॉर्मल और सबके साथ सेलिब्रेशन करें तो मजा ही कुछ और है यार। तो दोस्तों क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग। और आज की मॉर्निंग मेरे घर से स्टार्ट हो रही है और देखो भाई यहाँ तो अल्टीमेटिव व्यू रहता भाई सुबह सुबह, और इतना प्यारा फील। देखो हल्की हल्की सी धूप आई है, बाकी बादल लगे हुए हैं और मेरे को अभी भी ठंड का ऐसा फील हो रहा है। और मैं ना एकदम से गर्म क्लाइमेट से आया हूं तो इसलिए मैं क्लाइमेट चेंज होने में एकदम से शर्ट में टी शर्ट में नहीं घूमूंगा क्योंकि उससे ना जुकाम वुकाम लग सकता है एंड और चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने अभी जैकेट ही डाली है। एक दो दिन में ऐसी ऐसी करके जो है ना फिर आदत पड़ जाएगी, 2-3 दिन में अगर जैकेट में घूमूंगा तो उसके बाद फिर जो है यहाँ के मौसम के हिसाब से हो जाएगी, तो इसलिए। बाकी अभी देखो फिलहाल गाँव का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, आप लोगों को बहुत याद आ रही थी हमारे घर की, तो ये रहा घर सब लोग। तो अभी रुपाई का सीजन है, देखो नीचे खेतों में चल रही है रुपाई, तो अभी एक राउंड में आप लोगों को लेके जाऊंगा जहाँ जहाँ हमारी रुपाई हो चुकी है वहाँ लेके जाता हूँ, और जहाँ हमको अभी रुपाई करनी है वहाँ तो मैं खैर दिखाऊंगा। अरे यार एक मिस्टेक होगी, मैं वो अपना ना सांप लाना भूल गया, नहीं तो मैं यार रुपाई के खेत में डाल रहा था। तो अभी फिलहाल जो है चलते हैं, थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रुपाई कैसे हो रही है और हमारे कितने खेत हो चुके हैं। चलो गुड मॉर्निंग कैया, गोरे से काला हो गया है तू, देख डायनासोर, देख डायनासोर। सो इस टाइम पे दोस्तों देखो यहाँ पे नदी में ऐसे बांध बनाए जाते हैं एंड नहर के थ्रू पानी ले जाया जाता है खेतों में, तो अभी ऐसे यहाँ पे भी चल रहा है देखो। और मैं आपको ले जा रहा हूँ पार खेत में, हमारी वहाँ पे रुपाई हो चुकी है एंड वहाँ पे अभी बहुत सारे लोग रुपाई कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको पहले अपनी रुपाई दिखाऊंगा एंड आप लोगों को वहाँ पे दिखाऊंगा कि लोग कैसे रुपाई कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो देखो भाई साहब क्या सीन चल रहा है वहाँ पे, कितने लोग हैं देखो गिनो, और वो कर रहे हैं रुपाई। तो यहाँ पे हम लोग का खेत ये वाला था, ये कम्प्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे भी काफी लोगों के खेत हैं जो कि अभी तक हुए नहीं है। पर यार मैं ये अफसोस रहा ना कि ये हमारा सबसे प्यारा खेत है, सबसे बड़ा खेत है, तो यहाँ पे ना इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था,
मेरा वेट कर लेते एक दो दिन और। वहाँ की रुपाई के बाद भाई ऐसा सीन है, सबको पता होगा सब क्या होती है रुपाई, धान तो हर जगह होता है। तो जो आलू बच जाता है ना देखो वो ऐसे निकलता है बाद में ही, कितना वेस्ट होता होगा आलू का सोचो। कम से कम इस खेत में से अभी नहीं निकलेगा ना 5 किलो आलू आराम से निकल जाएगा आराम से। तो सबका सहयोग चल रहा है भाई, पहले इस खेत में करके गए वो लोग, अब वो औरतें देखो उस खेत में चले गए वहाँ दूसरे के। तो ऐसे करके यहाँ पे चलता है भाई गाँव में, सबके एक एक करके पहले एक का करते हैं फिर दूसरे का करते हैं फिर तीसरे का करते हैं, ऐसी करके यहाँ पर रुपाई कंप्लीट की जाती है। और बहुत अच्छा लगता है भाई सच में, क्योंकि इस टाइम पे पूरी ग्रीनरी होती है ना देखो, सब जगह हरा भरा भाई। अब ये सब जगह जब सारे खेत लग जाएंगे उसके बाद देखना भाई कितना प्यारा लगता है। तो हमारे पास इतना बिनौड़ा अभी बचा हुआ है, मेरे ख्याल से ये ना हमारे दूसरे खेत के लिए होगा। तो यार यहाँ से रास्ता बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से पूरा कचार हो रहा है, कचार बोलते तो मिट्टी और पानी सब एक जैसा हो रहा है वो। तो यार जूते पहने हैं, जूतों की तो वाट लग जाएगी। चलो कोई नहीं, यहीं से मैंने आप लोगों को दिखा दिया एंड जो अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर रुपाई दिखाऊंगा हमारे उस वाले खेत की, कोई बात नहीं यहाँ पे तो लोग कर रहे हैं। एंड रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं हो रहा नहीं तो मैं चला जाता, वो लोग तो मस्त खेतों में कूद कूद के जा रहे हैं। तो असली मजा रुपाई में खेत कूदने का ही है भाई और कुछ नहीं। तो चलो वहाँ की आप लोगों ने ये देख लिया, मैं अभी घर को वापस जा रहा हूँ एंड आप लोग को जो है अब सेकंड खेत का दिखाऊंगा अपने। आज करते हैं आज, कल करते हैं, कल देखेंगे जब भी करेंगे। सो दोस्तों अभी मेरा यहाँ पे चल रहा था भाई म्यूजिक एंड में बाहर जैसे गया ना क्या चीज़ हुई बताया, देखो चलो 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 हटे 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 वो देखो भाई वहाँ, ये क्या चीज़ है कोई बता सकता है? मैं सबको फॉग लग रहा होगा बट वो फॉग नहीं है भाई, वहाँ से आ रही है बारिश इधर को। अभी देखो कितनी जल्दी मेरे पास पहुंचेगी देखना, देखो हल्के हल्के छींटे भी पड़ने लग गए अब, तो भी देखना कितनी देर में बारिश यहाँ पहुंचती है। सो विद इन 1 मिनट यहाँ पे बारिश आ गई। देखो मुझे पता था कि वहाँ से बारिश बहुत स्पीड से आ रही थी ना, तो यहाँ पे पहुंच गई है और गाँव की बारिश के पहले मजे वाह। बाकी गाँव के मौसम के कुछ कहने नहीं होते दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, एंजॉयमेंट होता है। आज हमारी रुपाई नहीं है इसलिए मैं आपको खेत में लेके नहीं जा रहा हूँ, कल को या परसों को हमारी रुपाई होगी और हम पूरा हाथ से खोदने वाले भाई। लो जी बारिश हो चुकी है समाप्त और मौसम हो चुका है एकदम ओपी वाला। तो अब जाके बस मैं लाइट का वेट कर रहा हूँ, लाइट आए तो मैं जाऊँ। तो दोस्तों फिलहाल हो चुकी है शाम और गाँव का एक फायदा बताऊँ, यहाँ पे आगे मेरे को मैं सो गया था अभी, तो सोना नींद क्यों आती पता है, क्योंकि यहाँ पे दोपहर में बिल्कुल गर्मी नहीं होती और बारिश होने के बाद तो और ठंड, देखो जैकेट पहननी पड़ रही शाम को। तो चलो अब जो है ऐसी बाहर पे वॉक वॉक करते हैं एंड कुछ काम होगा तो करते हैं। और आज ये 2 व्लॉग हो गए मेरे एक साथ, तो मैं गाँव वैसे कल आ गया था आपको पता ही है, कल रात पहुँच गया था मैं, बट मेरा व्लॉग परसों अपलोड नहीं हो रहा इसलिए यार वो डिले हुआ, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो कोई नहीं अब 2 के 2 व्लॉग मैं एक साथ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे घर आते स्टूडियो की वाइब बहुत चेंज हो चुकी है, यहाँ पे सब कुछ रख दिया ग्रीन कारपेट जो कि मेरा फेवरेट है एंड मैं यहाँ पे अभी रॉकुल वगैरह की भी सोच रहा हूँ, या रॉकुल नहीं तो मतलब एक अकोस्टिक पैनल जो होते हैं वो लगाने की सोच रहा हूँ। सो पहले मुझे टेबल का सेटअप भी करना है यार म्यूजिक के लिए एंड ऑल बाकी चीज़ें भी हैं। तो दोस्तों बाकी तो यार आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इन ब्लॉग्स में इतना ही था, बाकी अभी मैं खाना पीना खा के बस बैठा हूँ। तो चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, वो अगर अच्छा लगा थोड़ा बहुत पसंद है लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार भाई, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट और चलो बाय बाय।